की साइड भी जो प्लेट लगाई गई है इसके ऊपर सारे जो लीवर हैं वो लगाए गए हैं, देख सकते हो। और बात करें तो डबल डबल 4 वोल्ट के डिस्ट्रीब्यूटर लगे गए हैं और 2 लीवर लगाए गए हैं साथ में। मरघट हैं उसका भी एंगल बना के काफ़ी मजबूत स्थिति में इसको रखा गया है ताकि मरघट भी ख़राब ना हो और हिले ना, क्योंकि ट्रैक्टरों में प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये आती है कि मरघट हिलने लग जाते हैं। जो आपके लिए लेके आए हैं जी वीडियो ड्यूटेज फायर की, जो जर्मनी का ट्रैक्टर है, काफ़ी शानदार ट्रैक्टर और काफ़ी मजबूत ट्रैक्टर है सभी कंपनियों से। आज बात करेंगे हम ड्यूटेज फायर एग्रोलक्स 50 की। 50 HP का ये जो ट्रैक्टर है वो काफ़ी शानदार है। बाकी 41 HP की जो इसकी PTO क्षमता है वो 41 HP की है। 50 HP का ट्रैक्टर 41 HP की PTO क्षमता है। बाकी काफ़ी शानदार ट्रैक्टर है एग्रोलक्स 50 ड्यूटेज फायर, और ये मेड इन जर्मनी है और दूसरी कंपनियों से काफ़ी मजबूत ट्रैक्टर बनाया गया है। तो आइए आपको दिखाते हैं कैसे बनाया गया जी। 4 स्ट्रोक वाटर कूल्ड डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन है और सेव डीजल ड्राइव ड्यूटेज। इसकी जो डीजल की खपत है वो बहुत ही कम है। किसान भाइयों देख सकते हैं आप, छोटा प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म है, जो पायदान है वो छोटे हैं। बाकी फ्लैट इसके क्लच पैडल हैं और ब्रेक पैडल हैं और शानदार सीट है ये देखिए। और ये देख सकते हैं साइड में जो लीवर लगाए गए हैं उसके लिए भी प्लेट लगाई गई है, और जो काफ़ी ट्रैक्टर की लुक को और भी ज़्यादा अच्छी करती है। बाकी साइड भी जो प्लेट लगाई गई है इसके ऊपर सारे जो लीवर हैं वो लगाए गए हैं, देख सकते हो। और 2000 किलोग्राम 2100 किलोग्राम की इसकी लिफ्ट की कैपेसिटी है। बाकी ये जो लीवर है ये डबल डिस्ट्रीब्यूटर का लीवर है, डबल डिस्ट्रीब्यूटर दिया गया है। बाकी गियरों की बात करें तो 4 गियर प्लस रिवर्स गियर, फॉरवर्ड और रिवर्स। हाई लो मीडियम ये ट्रैक्टर है। ऊपर से आप देख सकते हो छोटा स्टीयरिंग व्हील, काफ़ी शानदार। ऊपर से बैठ के तो ऐसे मज़ा आता है जी, बहुत ही शानदार। जर्मनी का यह बाहर की टेक्नोलॉजी है। और मीटर देख सकते हो आप, डिजिटल सभी मीटर दिए गए हैं, पॉइंट दिए गए हैं, जब आपने जगाना है तभी ये चलते हैं जी। बाकी ये रेस का लीवर है, ये देख सकते हो आप, रेस वाला लीवर भी है। और ये पॉइंट हो गया जी, जो ट्रैक्टर में पॉइंट आते हैं। ब्रेक फ्लूड के यहाँ पे दे दिया गया है, और ये दे दिया गया है जी जो इसके लाइट वगैरह का पॉइंट है वो। और ये चाबी लगाने के लिए, ये हॉर्न वाला पार्किंग वाला, ये हॉर्न लगा दिया गया है। और ये इंजन को बंद करने के लिए जो स्टॉप लीवर है वो दे दिया गया है। बाकी काफ़ी शानदार ट्रैक्टर है और कैपेसिटी इसकी बहुत ही ज़्यादा है। 50 HP का ये ट्रैक्टर जो 41 HP की PTO पावर क्षमता है इसकी। और शो वगैरह आप देख सकते हो, हेडलैम्प, 2 हेडलैम्प हैं और काफ़ी शानदार शो है जी। 2 व्हील ड्राइव में और 4 व्हील ड्राइव में, दोनों आप दोनों व्हील में आपको ये ट्रैक्टर मिल सकता है। और 50 HP का ये ट्रैक्टर 4 स्ट्रोक वाटर कूल्ड डायरेक्ट इंजेक्शन के साथ है ये। इसमें कंपनी ने इससे भी ज़्यादा फ़ायदा दे दिया गया है। बाकी ये पैडल देख सकते हैं, अब ये रेस का पैडल है। बाकी काफ़ी शानदार ट्रैक्टर बनाया किसान भाइयों। टूल बॉक्स मरघट के ऊपर लगा दिया गया है। और बैक साइड से हम बात करें तो लिंके देख सकते हो काफ़ी मजबूत हैं। हुक वगैरह देख सकते हो काफ़ी मजबूत लगाई गई है। और डबल डिस्ट्रीब्यूटर, और इसका भी अलग से जो तेल है वो भी अलग से लगाया गया है, पिछले हिस्से के साथ जॉइंट किया गया है, ये देख सकते हो आप यहाँ पे। और काफ़ी शानदार ट्रैक्टर है। जिनके पास ये ड्यूटेज फायर है तकरीबन वो किसी और ट्रैक्टर को नहीं चलाते, क्योंकि उनको पता है इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में। और EPA साइकिलिंग ड्राइव गेयर जो बॉक्स है वो लगाया गया है इसमें। ड्यूटेज फायर बहुत ही शानदार ट्रैक्टर है ड्यूटेज फायर का। और साथ में खड़ा है जी एक एग्रोलक्स 80 प्रोफी लाइन ड्यूटेज फायर का 4 व्हील ड्राइव में, ये देख सकते हो आप, काफ़ी बड़ा ट्रैक्टर है किसान भाइयों। और ये जो ड्यूटेज फायर के ट्रैक्टर हैं ये आपको तकरीबन नई टेक्नोलॉजी में मिलते हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी में मिलते हैं। जो भारत में अभी टेक्नोलॉजी नहीं आई उसमें से सबसे आके ये ट्रैक्टर है ड्यूटेज फायर, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी सबसे पहले इसमें ही आई थी और किसी ट्रैक्टर में टेक्नोलॉजी नहीं आई। और में जैसे हम ड्यूटेज फायर 80 की बात करें तो ये ट्रैक्टर 80 HP की कैटेगरी का ट्रैक्टर है और काफ़ी बड़ा ट्रैक्टर है 80 HP का, और 4 व्हील ड्राइव में आता है जी, 4 स्ट्रोक वाटर कूल्ड डायरेक्ट इंजेक्शन के साथ। और देख सकते हो आप काफ़ी शानदार जो फ्रंट वाला हिस्सा है इसका 4 व्हील ड्राइव का, वो काफ़ी मजबूत हैवी ड्यूटी हिस्सा लगाया गया है।
और जो इसके फ्रंट टायर हैं उसकी बात करें तो MRF के 11/2/24 के इसके फ्रंट टायर हैं, और इसके जो बैक टायर हैं वो 16/9/30 के हैं जी, और दो पॉइंट बड़े टायर हैं बैक वाले, और प्लेटफॉर्म देख सकते हो काफ़ी खुला है, फ्लैट ही पैडल है इसके, सेफ डीजल ड्राइव ड्यूटेज। इस ट्रैक्टर में आपको डीजल की खपत बहुत ही कम है इस ट्रैक्टर की। और यदि हम इसके क्लच की बात करें तो इंडिपेंडेंट डबल क्लच के साथ ये ट्रैक्टर लॉन्च हुआ है ड्यूटेज फायर का, और मीटर देख सकते हैं आप, छोटा स्टीयरिंग व्हील ड्यूटेज फायर का, और 15+15 सुपर क्रीपर गियर के साथ ये ट्रैक्टर आता है जी, और फुली सेंक्रोमेश गियर है इसमें, और सीट देख सकते हैं आप काफ़ी कंफर्टेबल सीट है, और काफ़ी शानदार खुला डुला ट्रैक्टर बनाया है ये देख सकते हैं। लीवर जितने भी लगाए गए हैं सभी कुछ अलग तरह से प्लेट लगाई गई है ताकि कोई भी इंजन ना दिखे, ऊपर से बिल्कुल साफ दिखे ट्रैक्टर। और ये देख सकते हैं आप 5 गियर हैं इसमें, और शटल शिफ्ट गियर के साथ है ये भी, VL और SR गियर, हाई लो मीडियम में यह ट्रैक्टर है तकरीबन, ये शटल शिफ्ट वाला गियर हो गया। और लिफ्टिंग की कैपेसिटी की बात करें तो 2500 किलो से ऊपर ही इसकी लिफ्ट कैपेसिटी है। और यदि हम इसके बैक साइड बैक हिस्से की बात करें ट्रैक्टर के, तो वो भी आपको बताते हैं। मरघाट की शेप देखिए आप पहले, बिल्कुल पायदान के साथ लगी हुई है, और काफ़ी शानदार ट्रैक्टर है। बैक साइड से ट्रैक्टर की बात करें तो डबल 4 वोल्ट के डिस्ट्रीब्यूटर लगे गए हैं, और 2 लीवर लगाए गए हैं साथ में अलग अलग, यदि इसको आपने पॉइंट से अलग अलग करना है तो अलग अलग 2 लीवर लगाए गए हैं, 2 वोल्ट के 1, 2 वोल्ट के 1, 4 वोल्ट के डबल डिस्ट्रीब्यूटर लगे हुए हैं। और बैक से जो लिंक वगैरह आप देख सकते हो काफ़ी मजबूत और हैवी ड्यूटी लगाई गई है, जो इसकी हुक वगैरह है वो भी काफ़ी मजबूत है जी। बाकी जो ऑयल इम्प्रेस्ड ब्रेक जो इसके बैक टायर बैक हिस्से की बात करें तो ये ट्यूबें देख सकते हो आप काफ़ी मजबूत हैं, ये देख सकते हैं आप ड्यूटी फायर की, और काफ़ी शानदार है। ये देखिए जो मरघाट है उसका भी एंगल बना के काफ़ी मजबूत स्थिति में इसको रखा गया है ताकि मरघाट भी ख़राब ना हो और हिले ना, क्योंकि ट्रैक्टरों में प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये आती है कि मरघाट हिलने लग जाते हैं। और काफ़ी अलग से दिया गया सिस्टम, यदि किसी ने कनोपी वाली फाइबर वाली छतरी लगवानी है उसके लिए भी अलग से सिस्टम लगाया गया है इसमें। बाकी बहुत ही शानदार ट्रैक्टर है जी। और किसान भाइयों यदि ड्यूटेज फायर के ट्रैक्टरों की बात करें तो भारत में ये जो ट्रैक्टर है ये काफ़ी आगे है इसकी टेक्नोलॉजी, इसके बारे में चलाओ और फिर आपको पता लगेगा कि ये ट्रैक्टर कैसा है। काफ़ी शानदार ट्रैक्टर है ड्यूटेज फायर 80 एग्रोलक्स और ड्यूटेज फायर एग्रोलक्स 50। और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें ताकि और भी हम ऐसे वीडियो लेकर आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसान भाइयों का, जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के लिए।